दिल्ली में होने जा रहे 3 दिवसीय G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सम्मेलन के दौरान दिल्ली की सुरक्षा में 50,000 जवान, NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के करीब 80,000 जवान, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। विदेशी मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे वहां DCP रैंक के एक अधिकारी कैंप कमांडर के तौर पर तैनात रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले 29 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की सुरक्षा की तैनाती में सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यूनिट दिन रात एक एक करके जुटी हुई। सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो इसके लिए सुरक्षा यूनिट ने सभी केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी क्षमता के साथ रिहर्सल की है। होटलों में होटल प्रबंधन ने निजी सुरक्षा गार्ड से लेकर अन्य तरह के करीब 20-30% कर्मचारी बढ़ा दिए। तारीख 8, 9 और 10 सितंबर को हर एक गतिविधि पर पहरा होगा। राफेल के अलावा दूसरे लड़ाकू विमान और एयर वार्निंग सिस्टम भी हाई अलर्ट पर रखे गए ताकि विदेशों से आए VVIPs की सुरक्षा में कोई भी कसर ना रह जाए।